तो फ्रेंड्स आज हम ले गए हैं आई पिल टेबलेट्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आई पिल टेबलेट्स कब लेना चाहिए, कितनी देर में लेना चाहिए, तो आई पिल टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आई पिल टेबलेट्स। आई पिल टेबलेट्स के अंदर एक सिंगल गोली का टेबलेट रहता है जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 110 रुपये 110 इसकी एमआरपी रहती है। आईपीएल टेबलेट्स को पिरामर फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। आईपीएल टेबलेट्स के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया है जिसका नाम है लिवोनोर्जिस्टोल्स आईपी। आईपी बोलो तो इंडियन फार्माकोपिया, लिवोनोर्जिस्टोल्स 1.5 mg। आईपीएल टेबलेट्स क्या है? असुरक्षित यौन संबंध या गर्भ निरोधक असफलता के बाद अनचाहे गर्भावस्था को रोकने के लिए आईपिल एक आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली है। आईपिल का यूज कब करें? असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद गर्भावस्था को रोकने के लिए आईपिल को असुरक्षित यौन संबंध के 12 घंटे के अंदर और 72 घंटे के बाद नहीं लेना चाहिए। आईपिल टेबलेट्स को तुरंत ले, असुरक्षित यौन संबंध के 12 घंटे के भीतर ले। आईपिल टैबलेट्स लेने के बाद आपको अगर उल्टी आ जाए तो आपको इसकी दूसरी खुराक 3 घंटे के अंदर ले लेनी चाहिए। आईपिल टैबलेट्स कैसे काम करती है? एक उपजाऊ अंडे के गर्भ में संलग्न होने के बाद गर्भावस्था स्थापित होती है। आपके मासिक धर्म चक्र के दिन के आधार पर आईपिल या तो एक अंडे को अंडाशय से निकलने से रोकती है या यदि अंडा पहले से निस्तारित हो चुका है तो वह शुक्राणु को उपजने से रोक सकती है। यदि गर्भावस्था में पहले से ही स्थापित हो चुकी है तो आईपिल अप्रभावी होती है, आईपिल भ्रूण को हानि नहीं पहुंचाती। आईपिल टेबलेट्स कितनी प्रभावी है? असुरक्षित यौन संबंध के 24 घंटे के अंदर लेने पर आईपिल की प्रभावशीलता 95% और 25 से 48 घंटे के अंदर 85% और 49 से 72 घंटे के अंदर 58% होती है। यदि मासिक धर्म 1 सप्ताह से अधिक देरी से हो रहा है तो कृपया गर्भावस्था के लिए परीक्षण करें। आईपिल टेबलेट्स को कंटिन्यू न ले, अगर आप इसको कंटिन्यू ले रहे हो तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं जैसे भूख में बदलाव, पेट में दर्द, मिचली आना, डायरिया होना, दस्त लगना और सीने में दर्द और आपके चेहरे पर सूजन और मिस पीरियड हो सकते हैं और खून के डब्बे हो सकते हैं। ये सब आपको साइड इफेक्ट दिखने को मिलेंगे। आईपिल टैबलेट्स किनको नहीं लेने चाहिए? अगर को लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो इन कंडीशन में, या फिर लेडीज़ कोई पहले से कोई मेडिसिन ले रही है तो इन कंडीशन में आईपिल का उपयोग ना करें। आईपिल टैबलेट्स आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, नॉर्मल कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। ये टैबलेट्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आईपिल टैबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। आईपिल टैबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।